सो लेट्स सी सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जिनकी मदद से हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, माइंड में रखिएगा आप लोग कि इन रूल्स में मेनली मैं आपके साथ वही रूल्स डिस्कस करूंगा जिनके इनपुट में हमारे पास हमेशा एक वेरिएबल एक्स होगा. बट फ्यूचर में हमारे पास कुछ ऐसे भी रूल्स आएंगे जिनमें फंक्शंस के इनपुट में हमारे पास कोई और फंक्शन भी हो सकता है. तो उन क्वेश्चंस को मेनली हम लोग डील करेंगे चेन रूल के साथ. चेन रूल इस टॉपिक का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपका मास्टरी हो गई चेन रूल के अंदर, देन आप लोग ऑलमोस्ट सभी सवालों को एफिशिएंट तरीके से इजीली कर पाएंगे. ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट रूल है डिफरेंशिएशन का, वो आपसे बोलता है कि अगर आपने डी बाई डी एक्स किया एक्स की किसी भी पावर को, ये पावर आपके पास कोई भी नंबर हो सकती है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे रेडिकल्स में हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नॉन इंटीजर हो. ओके, तो इसका जो आपके पास आंसर आता है, यानी कि इसका जो आपके पास डिफरेंशिएशन आता है, वो आता है वही पावर एंड देन जो वेरिएबल आपके पास था वो वेरिएबल रेज टू द पावर वो पावर माइनस वन, वेयर एन इज वॉट, एन इज एनी कॉन्स्टेंट. ओके, इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए यहाँ पे. मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 5, और अगर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5. नाउ ये पूरी पूरी जो फॉर्मेट है वो इससे मैच कर रही है आपके, ध्यान से देखिए. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा पावर एंड देन वेरिएबल रेज टू द पावर पावर माइनस वन. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास पावर इनटू में जो वेरिएबल है आपके पास वो रेज टू द पावर पावर माइनस वन, जिसको आप बोल सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4. और आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा भी था मुझसे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक्चुअल में किसी भी वैल्यू को छोटा करना. आप देखिए ध्यान से, एक्स रेज टू द पावर 5 है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एक्स रेज पावर 4 है, यानी कि डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन की आपने रिड्यूस कर दी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से आपके पास क्या है. तो इस केस में भी देखिए, एक्स रेज टू द पावर 3/2 आपके पास फंक्शन है, इसको आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है. देन ध्यान से देखिए, ये भी पूरी पूरी फॉर्मेट इससे आपकी मैच कर रही है. तो आप बोल सकते हैं इसका जो आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा पावर, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ जो वेरिएबल है आपके पास वो वेरिएबल एंड रेज टू द पावर पावर माइनस वन. तो आप देखिए ध्यान से इसका आंसर क्या आएगा आपके पास. सो वो आएगा 3/2 एंड देन 3/2 में से अगर एक जाएगा, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, आप एलसीएम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ये है आपके पास डेढ़, डेढ़ में से एक जाएगा तो आपके बचेगा आधा, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर हाफ. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं 3/2 एंड हाफ का मतलब आपके पास हो जाएगा रूट एक्स. ओके, नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या जो सवाल है वो इस फॉर्मेट में है, एक्स रेज टू द पावर समथिंग के फॉर्मेट में है. तो ध्यान से देखिए, आप रूट एक्स को बोल सकते हैं एक्स रेज टू द पावर हाफ. ओके, सो इसका मतलब ये सवाल आपका बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर हाफ. तो ये सवाल भी प्रॉपर आप लोगों का इस फॉर्मेट में है, जहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास है हाफ, तो आप इसको बोल सकते हैं हाफ एंड देन एक्स रेज टू द पावर दैट पावर माइनस वन. आपको पता है अगर आधे में से एक जाएगा तो आपके पास माइनस का हाफ बचेगा, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एक्स माइनस हाफ. आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ माइनस हाफ का मतलब हो जाएगा वन अपॉन में एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ का मतलब रूट एक्स. तो इसका हमारे पास सिंपली आंसर कितना आ गया, ये हमारे पास इतना आ गया. जब कभी भी आपके पास रेडिकल्स में कोई चीज़ देखो तो उसको आप लोग कन्वर्ट करें पहले पावर में, जिसे मैंने यहाँ पे किया है, एंड देन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्मूले को अगेन. ओके, नाउ ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या ये सवाल हमारा उस फॉर्मेट में है. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे वन अपॉन में एक्स स्क्वायर का एक्चुअल मतलब होता है एक्स रेज टू द पावर माइनस टू. तो अब ये सवाल इस फॉर्मेट में आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा ये पावर, पावर का मतलब माइनस टू एंड देन एक्स रेज टू द पावर क्या, पावर माइनस वन, यानी कि माइनस टू माइनस वन. तो आप इसको बोल सकते हैं माइनस में टू एंड देन एक्स रेज टू द पावर माइनस थ्री. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं माइनस में टू वन अपॉन में एक्स क्यूब. ओके, सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जो हमारे पास फर्स्ट रूल था डिफरेंशिएशन का उसके. नाउ इसी से हमारे पास एक और चीज़ निकल के आती है. लेट्स से अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक रूल आप लोग याद रखिएगा, सेकेंड रूल आपसे बोलता है कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ है एंड देन आपके पास कोई फंक्शन लगा हुआ है, तो इसका रूल आप लोग याद रखें क्या, कि आपका कांस्टेंट हमेशा पहले बाहर निकल जाएगा, यानी कांस्टेंट को आप निकाल सकते हैं बाहर, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ आप जो रिमेनिंग फंक्शन है आपका उसको आप सेपरेटली इवेल्युएट कर सकते हैं, वेयर के इज सम कांस्टेंट. ओके, सो ध्यान से देखिए, इसी के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे थर्ड रूल अपना, जो मेरा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, यानी कि मेरे पास अब कोई भी वेरिएबल वाली टर्म है ही नहीं, मेरे पास जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे वो फ्री फ्रॉम दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका आंसर सिंपली होता है आपका जीरो. अब ये क्यों हुआ, देखिए इसका आंसर आपका छुपा हुआ है इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर. ध्यान से देखिए, अगर कोई हमसे बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ आप निकालिए मेरे लिए 5,
तो आप कैसे बोल सकते हैं इसको, मान लीजिए कि 5 के साथ यहाँ लिखा हुआ है इनटू में 1, ओके, तो आप बोल सकते हैं इसको 5 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन, बिकॉज मैंने आपको सिखाया कि जब कभी भी आपके पास कोई कांस्टेंट लगा हुआ हो तो कांस्टेंट आप लोगों का बाहर आ सकता है एंड जो रिमेनिंग चीज़ है उसके अलावा आप लोग अपने डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं, ओके okay? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर रिमेनिंग चीज़ थी नहीं यहाँ पे, बट ध्यान से देखिए मैं इसको बनाने वाला हूँ, मुझे बताइए वन आपके पास जो लिखा हुआ है उसको क्या मैं समझ सकता हूँ एक्स रेस टू द पावर जीरो, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी नंबर की पावर जीरो जो हमारे पास होती है वो सिंपली होती है वन, बशर्ते हमारे पास जीरो रेस टू द पावर बस वन, जीरो रेस टू द पावर जीरो जो हमारी होती है वन नहीं होती, बाकी कोई भी नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल रेस टू द पावर जीरो जो हमारे पास होती है वो होती है सिंपली वन। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं फाइव टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर जीरो, बिकॉज वन का मतलब क्या हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर जीरो। नाउ आप लोग अप्लाई कीजिए यहाँ पे इस फर्स्ट रूल को, तो आप पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपके पास फाइव तो एज इज रहेगा, इसमें जो पावर है वो है जीरो, तो जीरो टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर जीरो माइनस वन जो आपको अल्टीमेटली दे देगा जीरो। इनफैक्ट आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं वो कांस्टेंट आपका बाहर निकल गया एंड देन यहाँ पे छोड़ के जाएगा वो वन, वन को आप लिख सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जीरो एंड देन उसका आंसर आपके पास वो जीरो दे देगा। तो इनफैक्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो कांस्टेंट आपके पास होता है वो होता है आपके पास सिंपली जीरो। तो ये मेनली हमने तीन रूल्स पढ़े, ये तीन हमारे पास बेसिक रूल्स हैं, इसके अलावा भी हमारे पास बेसिक रूल्स हैं। आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले इन तीनों रूल्स को नोट डाउन कर लें, प्लस में इससे एग्जांपल्स को भी एक बार एनालाइज कर रहे हैं, ओके okay? सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज थ्री रूल्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स करना है हमें इस नंबर टू का, तो याद रखिएगा अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो वेरिएबल आपने यहाँ यूज़ किया है देन वो ट्रीट किया जाएगा एज अ कांस्टेंट, और आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, तो वो होता है सिंपली आपके पास जीरो। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि फाइव आपके पास एक कांस्टेंट है, क्यों ना मैं इसको बाहर निकाल लूँ एंड देन इसको मैं लिख लूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट ए। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि जब कभी भी आप लोगों के पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू fx की या फिर कुछ भी, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के जो भी सिंबल आपके पास आ रहा है वो एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट होगा, ओके okay? तो ध्यान से देखिए इस वाले केस में आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका x का, तो ऐसे बोल सकते हैं आप लोग fx इज इक्वल्स टू 5a आपके पास फंक्शन है, ओके okay? नाउ यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x, और लेट्स से आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y, तो y तो आपके पास यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट जो x विजिबल है आपके पास यहाँ पे x और y को छोड़ के आपके पास जो कुछ भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे सिंबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे आप लोगों के, ओके तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ, और आपको पता है d by dx ऑफ एक ऐसा फंक्शन जहां पे ये वाला वेरिएबल है ही नहीं तो वो एज अ कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका आंसर आपके पास हो जाएगा जीरो। सिंपली आप इसको ये बोल सकते हैं जीरो। याद रखिएगा अगर आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई वेरिएबल, देन वो वेरिएबल अगर यहाँ पर है तो ही उसका डिफरेंशिएशन आप लोग कर पाएंगे, अगर वो वेरिएबल यहाँ नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा क्या कोई वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई ना कोई वेरिएबल है आपके पास यहाँ पे, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास देन जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पे वो एज अ कांस्टेंट माना जाएगा, ओके एंड देन उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ओके तो ध्यान से देखिए यहाँ पे नाउ आपके पास एक सवाल है डी बाई डी एक्स करना आपको थ्री स्क्वायर का, आप लोगों के माइंड में आया क्यों ना मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लूँ बिकॉज ये समथिंग रेज़ टू द पावर समथिंग के फॉर्मेट में है, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल या फिर एक फंक्शन रेज़ टू द पावर कोई नंबर होना चाहिए आपके पास, ना कि कोई नंबर रेज़ टू द पावर कोई नंबर होना चाहिए। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये सवाल एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 9, और 9 आपको पता है एक कांस्टेंट है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कभी भी x नहीं है, x नहीं, इसका मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब इसका भी आंसर आपके पास कितना हो जाएगा सिंपली जीरो। नाउ आपके पास एक एक्सपोनेंशियल चीज़ आई जो आपसे बोलती है e रेस टू द पावर 7। अब आपको पता है कि e की पावर x जो होता है वो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे x लगा हुआ है तो ही वो फंक्शन माना जाएगा, वैसे e की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 2.71828 अप्रॉक्सीमेटली, ओके तो ध्यान से देखिए ये एक नंबर है और नंबर रेस टू द पावर नंबर भी एक नंबर ही होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में ही आ रहा है सवाल, बस हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है बिकॉज ये वैल्यू इसको कौन करेगा, तो डी बाई डी एक्स करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा जीरो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन रेस टू द पावर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर रेस टू द पावर नंबर है। याद रखिएगा अगर e रेस टू द पावर x लिखा होता तब जाके ये एक फंक्शन बनता, ये एक वेरिएबल है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक
टर्म दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है अगेन, और नंबर की रेस्ट टू द पावर नंबर एक नंबर ही आपके पास आएगा जो कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा सिंपली जीरो। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके पास क्या है, तो वो है डी बाई डी एक्स ऑफ 7x² करना है आपको। तो मैंने आपको सिखाया जब कभी भी आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म आती है देन उसको आप स्टेट में बाहर निकाल लीजिए, जो बची हुई चीज़ें उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको आप बोल सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट रूल को जो आपसे बोलता है x रेज़ टू द पावर 2 है आपके पास, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 7 एज इट इज़, एंड इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आप पाएंगे 2 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो 1 को आप लिखिए मत। ओके, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आपने कर लिया। नाउ यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो नंबर है आपके पास कांस्टेंट वो है -5, मल्टीप्लाई में तो आप बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा -5 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट x रेज़ टू द पावर 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट रूल जो आपसे बोलता है x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना आपको, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा -5 एंड देन 4x³। आपको अब लिखना आना चाहिए ऐसे, ज़रूरी आप बार बार 4-1 या फिर 5-1 करके लिखें यहाँ पे चीज़ों को, आप डायरेक्टली यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं। ओके, सो ये इसका आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास और एग्जांपल्स थे बेस्ड ऑन दीज 3 रूल्स थे आपके पास, इनको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।